अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद का हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ल्ड के इंसर्ट के होम ऑप्शन पढ़े थे, तो आज हम आगे इंशाल्लाह ऑप्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने कल पढ़ा था जो पिछले वीडियो में, तो टेबल पढ़ा था, तो यहाँ से हमने टेबल को सीख लिया। उसके बाद पिक्चर, जैसे कि हमने यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक किया, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट की और उसके बाद इंसर्ट कर दिया। अभी इसके साइज हम इससे ज्यादा कर लेते हैं डॉट से। उसके बाद यहाँ पर वेब टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद उसके बाद इस पिक्चर को जहाँ पर भी रखना चाहेंगे ये रख सकते हैं। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करोगे तो आप जहाँ पर पिक्चर है वहाँ से आगे पीछे नहीं, अप डाउन नहीं कर सकते, मसला ये होता है। अगर आप इसके ऊपर पिक्चर पर कोई बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हो जो भी, तो वो आपकी मर्जी, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ से कलर होता है ना, जैसा भी कलर आप रखना चाहोगे पिक्चर पर वो कलर रख पाओगे। तो यहाँ से हम इसका बॉर्डर हटा देते हैं, ये बॉर्डर रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये तो नॉर्मल पिक्चर जो होती है वो पिक्चर रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं पिक्चर्स को। ये डाउन साइड पर भी हल्की हल्की नज़र आएगी शेडो। इसके बाद ऐसे हम पिक्चर रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने पिक्चर पर हमने यहाँ से कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट किया, जैसे कि ये फ्रेम सेलेक्ट किया, कलर वगैरह कोई अच्छा कलर रख लिया, यही जो कलर हमने था जिस कलर में पिक्चर थी। उसके बाद पिक्चर का हमने साइज छोटा करके फ्रेम के अंदर, जैसे हम रखते हैं ना फोटो साइज पिक्चर जो बना कर रखते हैं, ऐसे कर हम यहाँ पर फॉर्म वगैरह भी बनाएंगे तो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में अगर नेटवर्क पीसी में तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी आती हैं, ऑनलाइन पिक्चर भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। कोई भी यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ट्राई नेट लगा हुआ होगा तो यहाँ से चलेंगे। अगर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करोगे तो फिर ये पीसी में जो होंगी आपके वो पीसी से आ सकती है। उसके बाद आपका होता है शेप्स। शेप के अंदर से कोई भी आप शेप डिज़ाइन कर सकते हो, जिसके लाइन है, रेक्टेंगल है, फिर टेक्स्ट बॉक्स है, फिर उसके बाद ओवल है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जो भी आप शेप बनाना चाहो यहाँ से आप उठा सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर हम क्लिक करेंगे, ये होता है हमारा स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से ओके किया। ओके के बटन पर जैसे ही आपने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर आप नेम वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। जैसा कि ये मैंने कुछ नेम ऐड किए, नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद जैसा कि हम इसका कलर वगैरह या इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने इसका स्टाइल पर क्लिक किया मोर पर, तो यहाँ से जो भी स्टाइल आप ऐड करना चाहो वो आप स्टाइल ऐड कर सकते हो। जैसा कि हमने ये स्टाइल क्लिक किया, ऐड हो गया। उसके बाद अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कलर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कलर आप ऐड करोगे वो कलर आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है चेंज शेप, मतलब कि लेआउट्स भी होते हैं, ये लेआउट्स बोलते हैं, इसका पूरा एक लेआउट्स होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी आप शेप ऐड करना चाहोगे, जिस पर भी आप क्लिक करोगे तो ये आपका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा शेप चेंज हो जाएगा, पिक्चर भी साथ आएगी। अभी देखें, अभी बॉक्स बना हुआ पिक्चर का ये वाला, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पर क्लिक कर जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कर इंसर्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे पिक्चर रखी हुई होगी आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पर गए। जैसे ही आप वर्क ऑफलाइन पर क्लिक कर जो भी पिक्चर होगी वो सिलेक्ट करोगे, जहाँ पर भी आपकी पिक्चर, जैसे कि मैं ये पिक्चर रखी हुई है इस पर क्लिक करके इंसर्ट किया, तो वो पिक्चर आपकी एड होती जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ से इसे क्लिक किया, मैं सब में पिक्चर इसे थोड़े जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इस पर भी क्लिक किया और इस पर क्लिक करके वर्क ऑफलाइन पर जाकर यहाँ से पिक्चर, इस सब पर पिक्चर एड हो गई। कलर चेंज करना चाहते हो अभी भी तो अगर आपकी मर्जी है जो कलर ऐड करना चाहो कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से स्टाइल ऐड कर सकते हो, जो भी आप स्टाइल ऐड करना चाहोगे वो स्टाइल ऐड, जैसे कि हमने ये स्टाइल ऐड किया और ये स्टाइल हमारे सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट चार्ट भी पढ़ेंगे हम।
फिर उसके बाद आप जो स्क्रीनशॉट पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट पर हम क्लिक करेंगे। अगर किसी का भी स्क्रीनशॉट चाहिए मैंने पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन क्लिकिंग पर जैसे क्लिक करेंगे फाइल क्लोज हो जाएगी, हमारी जो ओपन होगी वो जैसे कि डेस्कटॉप पर आ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो हमने जिस चीज का स्क्रीनशॉट चाहिए उसको हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, जो जो एरिया होगा उससे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे एमएक्स वर्ल्ड में पिक्चर की शक्ल में आ जाएगा जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था। उसका कलर वगैरह जैसा भी रखना है आप यहाँ से कलर वगैरह सेट करके रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से फ्रेम वगैरह आपको ऐड करना है तो वहाँ से फ्रेम वगैरह भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपने फ्रेम वगैरह ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ जैसा कि यहाँ से स्क्रीनशॉट, अगर आपकी कोई भी फाइल पीछे बैक साइड पर इस फाइल के ओपन होगी कोई भी तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद स्टोर से, माई ऐप से, ये हमारे इंटरनेट के ऑप्शन से, ये एमएक्स वर्ल्ड में हमें इतना इस्तेमाल में भी नहीं आते हैं। तो अगर चल जैसे ऑनलाइन पिक्चर है और सॉरी ऑनलाइन वीडियो है, ऑनलाइन वीडियो के अंदर वीडियो वगैरह कोई भी होगी तो वीडियो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक, बुकमार्क वगैरह इंशाल्लाह अगली वीडियो में सीखेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।